हे गाइस, इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि एक मेडलिब्स गेम कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग गेटिंग यूजर इनपुट। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर रखा है, रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, आई एम अ पर्सन। तो रोजेज आर रेड, तो रेड एक कलर है यहाँ पे। वॉयलेट्स आर ब्लू, वॉयलेट्स यहाँ पे प्लूरल प्लूरल है। आई एम अ पर्सन, तो यहाँ पे पर्सन को पर्सन नेम में। आई एम अ मनु, तो मनु क्या है यहाँ पे, एक पर्सन नेम है। रेड कलर है, वॉयलेट्स प्लूरल नाउन है, और आई एम मनु, मनु एक पर्सन नेम है। तो इसको अपन यूजर इनपुट से करेंगे तो क्या करेंगे कि ये क्या है, ये कलर है। तो इसमें कलर, ये कलर है, ये प्लूरल नाउन है, तो ये प्लूरल है, ये पर्सन है, तो इसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए अपन, इसके लिए अपन कुछ वेरिएबल्स लेंगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। तो वो वेरिएबल्स क्या है, स्ट्रिंग के हैं, क्योंकि कलर भी एक स्ट्रिंग का पार्ट है, प्लूरल नाउन भी एक स्ट्रिंग का पार्ट है, और पर्सन भी एक स्ट्रिंग का पार्ट है। यहाँ पे कोई इंटीजर नहीं है, इसलिए स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है, इंटीजर की जरूरत नहीं है, ओनली स्ट्रिंग की ही जरूरत है। तो स्ट्रिंग कलर, कलर कोमा प्लूरल, और थर्ड क्या है, पर्सन सेमी कोलन। उसके बाद अपन करेंगे कि सी आउट एंटर करवाएंगे गेटिंग यूजर इनपुट की हेल्प से। एंटर अ कलर, एंटर सी इन कलर, सेकेंड एंटर अ प्लूरल, एंटर सी इन प्लूरल, थर्ड क्या है, थर्ड है एंटर अ पर्सन नेम, एंटर सी इन पर्सन। अब जो अपन ने यहाँ पे जो कलर्स लिए हैं उसको अपन यहाँ पे दे देंगे इनको, कलर के लिए कलर, कलर प्लूरल, यहाँ पे पर्सन। तो देखते हैं, एंटर कलर रेड, एंटर प्लूरल वॉयलेट्स, एंटर पर्सन मनु, रोजेस आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, आई एम मनु। तो यहाँ पर अपन ने जैसा पहले एक पैराग्राफ था वैसे ही इसको बना चुके हैं। तो ऐसे मैडलिब्स गेम वर्क करता है कि पूछता है अपन को, उसके बाद उसको शो कर देता है। तो गाइस, इसमें अपन मैडलिब्स, अपन ने मैडलिब्स गेम के बारे में देखा। नेक्स्ट में अपन एरे क्या होते हैं C++ में वो देखेंगे।